की क्लास यहाँ पर बोला है टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर, तो इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ किया गया है इस वाटर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। टेक सम हॉट वाटर इन बीकर, डिप द बल्ब ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इन वाटर, कीपिंग इट अवे फ्रॉम द साइड्स ऑफ द बीकर, वेट टिल मर्करी थ्रेड बिकम्स स्टेडी, रीड द थर्मोमीटर वाइल इट इज स्टिल डिपिंग inside the water, take the thermometer out of the water and observe the level of mercury in the stem, does it go down, why? तो ये आपको बताया गया तरीका कि जैसे ये डिप किया गया है तो इसको आप काफ़ी एक मिनट तक इसके अंदर रखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि इसका लेवल मर्करी का लेवल देखिए यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको फिर यहाँ से रीड करेंगे, रीड करने के बाद इसको आप ऊपर लेकर आएंगे और वहाँ पर रीड कर देखेंगे क्या सेम टेम्परेचर है। एक और इन्फॉर्मेशन है, मर्करी कैन नॉट बी यूज टू मेजर वेरी लो टेम्परेचर, जो मर्करी है उसका यूज़ बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर के लिए नहीं किया जा सकता, जबकि वहाँ पर अल्कोहल का यूज़ किया जा सकता है। वाई? मुझे लगता है यहाँ पर आप फाइंड आउट करें रीज़न, मुझे लगता है कि अल्कोहल है वो काफ़ी कम टेम्परेचर को पे भी क्या कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है, इसलिए वहाँ पर यूज़ किया है। बट अल्कोहल कलरलेस होता है तो यहाँ पर उसको कलर दिया जाता है ताकि उसको स्टेम के अंदर से, कांच के अंदर से देखा जा सके, ठीक है। द क्लिनिकल थर्मोमीटर, अब जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं वो क्या होते हैं, जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं क्लिनिक में, ठीक है, जो बॉडी के टेम्परेचर को चेक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेबोरेटरी के अंदर जो यूज़ होते हैं ये हम ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर को नापने के लिए यूज़ करते हैं। टू चेक द बॉडी टेम्परेचर अ थर्मोमीटर इज प्लेस्ड इन योर माउथ और इन योर आर्मपिट, जैसे बगल के अंदर लगाया जाता है छोटे बच्चों की, और माउथ के अंदर डाल के यूज़ किया जाता है इसको टेम्परेचर नापने के लिए। द टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन लेबोरेटरी थर्मोमीटर विल फॉल एज सून एज इट इज़ टेकन आउट ऑफ योर माउथ टू गेट द करेक्ट रीडिंग, देयरफॉर अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड। दिस थर्मोमीटर हैज़ अ स्लाइट बेंड और किंक इन द स्टेम जस्ट अबव द बल्ब, व्हेन द थर्मोमीटर इज टेकन आउट ऑफ योर माउथ द लिक्विड इन द बल्ब कॉन्ट्रैक्ट एंड मर्करी कॉलम ब्रेक्स एट द किंक, देयरफॉर द लेवल ऑफ मर्करी इन द स्टेम रिमेन द सेम। तो यहाँ पर एक किंक होता है जिससे कि जो मर्करी का टेम्परेचर, मर्करी का जो लेवल है वो बना रहता है जब आप उसको मुँह से निकाल कर उसको चेक कर सकते हैं। वहीं पर जो लेबोरेटरी के थर्मोमीटर होते हैं जब तक वो लिक्विड के अंदर था तो उसका रहता है टेम्परेचर वहीं तक मेंटेन, ठीक है, मर्करी का लेवल। जैसे ही आप उसको बाहर लेकर आएंगे तो मर्करी एकदम से फॉल डाउन कर जाएगा और आप ढंग से टेम्परेचर को रीड नहीं कर पाएंगे। इस तरह का जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होते हैं वो लैब के अंदर तो यूज़ हो सकते हैं बट क्लिनिकल पर्पज़ से यूज़ नहीं हो सकते। जब उसको आप मुंह में रखेंगे तो टेम्परेचर रहेगा, जैसे मुंह से बाहर निकालेंगे तो मर्करी का लेवल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर दूसरे क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ किया गया है जिसके अंदर क्या होता है, स्पेशल जो होता है वो एक किंक दिया गया है। किंक से क्या होता है, आपका जो जब तक आप उसको एक झटका देकर सही नहीं करेंगे वो आपको उसी लेवल पर मर्करी रहेगा, आप उसको काफ़ी देर तक रीड कर सकते हैं मर्करी के लेवल को, ठीक है, ठीक ढंग से। लास्ट में यहाँ दिया गया द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज 37 डिग्री और 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो जो नॉर्मल हमारी बॉडी होती है उसका 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, या फिर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6। इट गोज़ अप इफ द पर्सन हैज़ फीवर, अगर फीवर है तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। हाउएवर इट डज़ नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, और इससे कम ये नहीं होता हमारा 35 डिग्री सेल्सियस से और अबव 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देयरफॉर अ क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ रेंज ऑफ 35 डिग्री टू 42 डिग्री। इन अ फ़ारेनहाइट क्लिनिकल थर्मोमीटर which is commonly used, the temperature ranges from 94 degree to 108 degree Fahrenheit. जो आजकल हम यूज़ करते हैं अपने नॉर्मल ये इस तरह के डिजिटल, ये फ़ारेनहाइट के अंदर हमारे होते हैं, ठीक है। डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर आर नाउ फास्ट रिप्लेसिंग द मर्करी क्लिनिकल थर्मोमीटर, आजकल मर्करी क्लिनिकल थर्मोमीटर को रिप्लेस कर रहे हैं, इनकी जगह पर कौन यूज़ किए जा रहे हैं, डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर। डिजिटल थर्मोमीटर्स डू नॉट यूज़ मर्करी, दिस इज़ आ रिलीफ एज मर्करी इज़ टॉक्सिक सब्सटेंस, क्या होता है ये एक जहरीला सब्सटेंस होता है मर्करी, वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ आ थर्मोमीटर ब्रेक्स, अगर कोई थर्मोमीटर टूट जाता है तो उसको डिस्पोज करना, उसको ख़त्म करना जहरीले पदार्थ को मुश्किल हो जाता था। इन अ डिजिटल थर्मोमीटर द टेम्परेचर इज़ डिस्प्लेड
इन अ न्यूमेरिकल फॉर्म, जिस तरह से आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है 37 डिग्री समथिंग, इस तरह से होता है, ये डिजिटल है। फोरहेड स्ट्रिप थर्मामीटर आर मेड यूजिंग स्पेशल लिक्विड क्रिस्टल्स दैट चेंज कलर अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। दे आर जनरली यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ स्मॉल बेबीज। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप दैट इज़ अप्लाइड टू द फोरहेड ऑफ द बॉडी। जो छोटे बेबी होते हैं उनके लिए इस टाइप का टेम्परेचर थर्मामीटर भी यूज़ किया जाता है, फोरहेड स्ट्रिप टेम्परेचर। उसमें क्या होता है, बच्चे के फोरहेड पर थर्मामीटर को लगाया जाता है और उसके स्ट्रिप्स में कलर अलग अलग होते हैं, अलग अलग कलर पे अलग अलग टेम्परेचर को शो करता है, ठीक है। और ये क्यों मुश्किल है, देख लास्ट में क्वेश्चन है, व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़ ऑर्डिनरी क्लिनिकल थर्मामीटर ऑन बेबीज़, क्योंकि बेबीज़ जो होते हैं वो इसको इतने ज़्यादा मूवमेंट करते हैं तो इसको प्लेस करना मुश्किल है, क्योंकि वो इतनी देर तक आराम से नहीं टिक सकते कि हम उनको इस तरह से क्लिनिकल थर्मामीटर का उनके ऊपर लगाकर डिटेक्ट कर सके, क्योंकि ये 1 या 2 मिनट तक आपको रखना होता है अपने माउथ के अंदर या आर्मपिट के अंदर, ठीक है। तो बताया गया है टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर, वॉश क्लिनिकल थर्मामीटर बिफोर यूज़। जैसे आप यूज़ करते हो उससे पहले इसको वॉश कर लेना चाहिए, प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। Hold it with the stem and give it a few jerks to ensure that the level of mercury falls below 35 degrees Celsius. Place the bulb of the thermometer below your tongue and close your mouth. Do not press your tongue, teeth on the glass of the thermometer. Let the thermometer stay in the mouth for a minute. Take it out and note its reading. The reading gives your body temperature. इस तरह से आपको यूज़ किया जाता है ये मर्करी थर्मामीटर, बट इसको आप टीथ से इसको ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि टॉक्सिक होता है इसके अंदर मरकरी। टेक द बॉडी टेम्परेचर ऑफ 10 ऑफ योर फ्रेंड्स, रिमेंबर टू वॉश द थर्मोमीटर एंड जर्क इट बिफोर ईच मेजरमेंट। हर मेजरमेंट के बाद इसको एक जर्क देना पड़ता है। लास्ट में है कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, हाउ डज अ वेटरनरी डॉक्टर और डॉक्टर हु ट्रीट एनिमल। वेटरनरी डॉक्टर होता है जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं उनको वेटरनरी डॉक्टर बोला जाता है। फाइंड आउट द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है कि जो एनिमल्स होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर कैसे चेक करते हैं वेटरनरी डॉक्टर्स, ठीक है। थैंक यू क्लास, ये चैप्टर आपका फिनिश होता है यहीं। थैंक यू।